बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीकेएस ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सीनियर कैंपस। दिस इज़ मी उरूज सहर, सब्जेक्ट इस्लामियात। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो मेरी हदीस सुने और उसे आगे पहुंचाए। तो हमें भी जो हदीस पाक सुनने को मिलती है, जो हमें पता लग जाती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम, और वो ऑथेंटिक भी हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हम दूसरों तक पहुंचाएं जिन्हें इनका इलम नहीं है। क्लास फाइव, प्लीज़ ओपन योर बुक। पेज नंबर 9। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान, आखिरत के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? अब्दुल बारी, अनम्यूट योर माइक अब्दुल बारी। जी मीरा, आप बताएं। मीरा, अपने माइक को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आखिरत के लफ्ज़ी मानी है बाद में आने वाली ज़िंदगी। गुड, बाद में आने वाली ज़िंदगी। और इस दुनिया की ज़िंदगी अबदी है या आखिरत की ज़िंदगी अबदी है, कौन बताएगा बेटा? प्लीज़ रेज योर हैंड। नो, मोहम्मद अब्बास, प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। अबदी ज़िंदगी कौन सी है बेटा? आखिरत की ज़िंदगी। गुड। जमीला दाऊद, आप बताएं कि अबदी ज़िंदगी का मतलब क्या है? अनम्यूट योर माइक जमीला। ना ख़त्म वाली ज़िंदगी। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। गुड। आखिरत पर ईमान रखना इस्लाम का कौन सा अकीदा है, बुनियादी अकीदा है या नहीं, कौन बताएगा? खुशबख्त, प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। खुशबख्त, इमरान खान, आखिरत की ज़िंदगी, आखिरत पर जो ईमान है वो कौन सा अकीदा है, बुनियादी अकीदा है या नहीं है? गुड, ओके। और आखिरत पर ईमान रखे बग़ैर कोई शख्स मुसलमान हो सकता है या नहीं हो सकता? फ़ातिमा, आर यू लिसनिंग? अनम्यूट योर माइक फ़ातिमा। समझ नहीं आ रहा, कौन बताएगा? हुरब, हुरब आप बताएं, आखिरत पर ईमान रखे बग़ैर कोई शख्स मुसलमान हो सकता है या नहीं? हमदान, आप बताएं मुझे, आखिरत पर ईमान रखना ज़रूरी है या नहीं एक मुसलमान होने के नाते?
हमदान जी बेटा, आखिरत पर ईमान रखना ज़रूरी है या नहीं एक मुसलमान होने के नाते? यस मैम। जी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ कितने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं? मोहम्मद अब्बास आप बताएं। दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। मनाहिल, वेयर इज़ मनाहिल? मनाहिल आप बताएं उन फरिश्तों के नाम क्या हैं? मनाहिल अपना माइक अनम्यूट करें। मुस्तकीम आप बता दें। जी मुस्तकीम, दो फरिश्तों के क्या नेम हैं जो हमारे साथ अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं? क्यों नहीं आता बेटा? मैम भूख नहीं है। ओके, लेक्चर गौर से सुना करो बेटा। जी ज़ेबा आप बताएं, दो फरिश्तों के क्या नेम हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ मुकर्रर किए हैं? ज़ेबा अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मैम। इन दो फरिश्तों के नाम होते किरामन कातिबीन। गुड, किरामन कातिबीन। और अल्लाह ताला जो है ना नेक बंदों को उनका नामा अमाल कौन से हाथ में देगा, दाहिने या बाहे बाएं? इमरान अहमद जी आप बताएं। क़यामत के दिन नेक इंसानों को उनका नामा अमाल कौन से हाथ में दिया जाएगा? इमरान इमरान मैं आपको सुन सकती हूँ, बोलें आप। जी आज़ान आप बताएं, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन नेक इंसानों को उनका नामा अमाल कौन से हाथ में दिया जाएगा? बाएं हाथ। और बुरे लोगों को उनका नामा अमाल कौन से हाथ में दिया जाएगा? बाएं हाथ। बाएं हाथ में। गुड, चलें अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। और इसके बाद आपने जो क्वेश्चन भी करना हो, जो भी पूछना हो, तो आपने लास्ट 5 मिनट्स में रेज़ हैंड करना है, ठीक है? तब आपको आंसर मिल जाएगा। लेक्चर के दरमियान आप बार बार रेज़ हैंड मत करें और ग़ौर से लेक्चर सुने। हमारा लास्ट पैराग्राफ है, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती है, इसका क्या मतलब है? जिस तरह एक इंसान फसल काश्त करता है और इस फसल पर वो जिस कदर मेहनत करता है उसे उसी कदर फ़ायदा और अच्छी फसल हासिल होती है। इस बात को तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना, कितनी क्लियर बात की गई है। जब एक किसान अपनी फसल काश्त करता है, वो इस फसल के साथ मेहनत करता है ना, उसको टाइम पर पानी देता है, उसके हर वो यानी उस पर जो वगैरह वो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह जो छिड़कनी होती हैं वो उसके टाइम का ख्याल रखता है कि इनको कहीं कीड़ा ना लग जाए, बारिश से ख़राब ना हो जाए, कुछ और मसला ना हो जाए। वो उसके साथ सारा दिन मेहनत करता है,
सारा दिन वो अपने खेतों में काम करता है। क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि उससे जब बाद में वो फसल उसको मिले तो वो अच्छी फसल मिले और उससे उसको फ़ायदा तो हो ना। अगर वो इसी तरह बीज बो दे और उसको छोड़ दे, अपने ही आसरे पर छोड़ दे कि वो जिस तरह उगती है जिस तरह नहीं उगती, तो क्या उसको अच्छी फसल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ना उसको टाइम पर पानी दे, ना उसका जाकर देखे उस पर कि उसको किसी दवाई की ज़रूरत है, किसी स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसको कभी अच्छी फसल नहीं मिलेगी या ख़राब हो जाएगी किसी भी तरीके से। इसी तरह जो इंसान दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है और अच्छा बदला पाने के लिए मेहनत और कोशिश करता है, उसे आखिरत में उसी कदर इनामात और खुशियां हासिल होंगी। वो अपनी इस दुनिया में अपने लिए, अपनी खेती के लिए जो कुछ करेगा कि इस खेती का फल उसको बाद में आखिरत में अच्छा मिले, तो उसको यहाँ मेहनत करनी होगी, इस दुनिया में मेहनत करनी होगी। और इस दुनिया में मेहनत उसको ऐसी नहीं करनी होगी जैसे किसान करता है, उसको इस दुनिया में आखिरत के लिए मेहनत ऐसे ही करनी होगी कि वो अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर चलेगा, अपनी ज़िंदगी जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक गुजारेगा। हाँ, कहीं एक जगह उससे कुछ मिसिंग हो जाती है, इंसान है, हर इंसान से मिसिंग होती है, हो जाए तो अल्लाह ने एक और रास्ता भी दिया हुआ है कि तौबा कर ले। तौबा कर ले तो उसे अल्लाह ताला दोबारा वो गुनाह कभी याद करवाएगा ही नहीं कि तुमने कभी बुरा किया था। अल्लाह कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर वो अपना अच्छा बदला पाने के लिए मेहनत और कोशिश करता है, उसे आखिरत में उसी कदर इनामात और खुशियां हासिल होंगी। हम दुनिया में मेहनत थोड़ी सी करेंगे लेकिन आखिरत में उसका बदला हमें ज़्यादा मिलेगा, उसके डबल से डबल पे मिलेगा। जन्नत में उसे हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। वहाँ उसे कोई तकलीफ़, परेशानी और गम नहीं होगा। इसके बरक्स जो शख्स दुनिया में बुरे अमाल करता है, वो गोया एक बुरी फसल काश्त करता है जिसका फल उसे आखिरत में बुरा ही मिलेगा। ये तो क्लियर बात है। आप पेपर देते हो, अच्छा पेपर दोगे तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पेपर बुरा करते हो, कोई मेहनत ही साथ नहीं करते, तो आपको क्या रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा? आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि हम नहीं, हमें पास होना हो जाना चाहिए, हमने पेपर तो ठीक नहीं किया लेकिन हम पास ज़रूर होंगे? कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते हम। मेहनत शर्त है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा और आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बुरे शख्स को इसके आमाल की सज़ा के तौर पर जहन्नम में तरह तरह के अजाब भुगतने होंगे और ये अजाब इंसान के लिए भुगतना आसान नहीं है। दुनिया में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? अगर हम ठीक पेपर नहीं करते, हमें रिज़ल्ट उसका इतना मिल जाएगा कि आप उस साल उसी क्लास में रहोगे, इतना मिलेगा ना। वो भी आप लोग बर्दाश्त तो नहीं कर सकते ना, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें बुरा लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, और बच्चों की तरह हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन हमें फिर भी दुनिया में एक चांस ज़रूर मिलता है कि चलो इस साल नहीं, अगले साल तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ना। लेकिन आखिरत में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका रिज़ल्ट एक बार अनाउंस हो गया सो हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी फिर। तो इसीलिए आपको फिर कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप थोड़ी देर दुनिया में जाओ और इसमें जो कुछ आपकी कमी है वो पूरी करो और आप फिर आ जाओ, तो चलो फिर हम आपका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें वहाँ की फिर क्या मिलेगी? जहन्नुम मिलेगी। और जहन्नुम में क्या होगा? सिर्फ आग नहीं होती जहन्नुम में, आग को भी हम तो बर्दाश्त वैसे कर नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने बहुत किस्म के अजाब रखे हैं जो हमारी सोच से भी बाहर हैं। तो हमें जब पता है कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो हमें उस तरह के काम करने भी नहीं चाहिए। अगर हो जाते हैं वो काम तो अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा हमेशा है हमारे लिए, हम उसकी तरफ बढ़ें।
इसलिए इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र करे। हर काम करते वक्त ये ज़रूर सोचे कि मुझे आखिरत में इसका कैसा बदला मिलेगा। जब इंसान ये सोचता है कि मुझे आखिरत में इसका कैसा बदला मिलेगा, अगर बुरा मिलेगा मैं उसको बर्दाश्त कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगा। हाँ, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप करो, ज़रूर करो बुरा काम, लेकिन ये हमारी सोच है, हम कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया की किसी सज़ा को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो क्या हम अल्लाह ताला की उस आखिरत की सज़ा हम बर्दाश्त कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। जब इंसान हर काम से पहले इसके मुमकिन नतायज के बारे में सोचता है तो नेकी इसकी शख्सियत में रच बस जाती है। जब इंसान जब भी कोई काम करता है, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, उससे पहले उसका सोचे कि इसके बदले मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, मुझे उससे खुशी होगी नहीं होगी, मैं बर्दाश्त कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, अगर खुशी है जो है, अगर इसके बारे में सज़ा है तो नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता, और वो इस तरह रुक जाएगा और उसको अल्लाह ताला बुराई के बदले नेकी करने की तौफीक दे देगा। वो ऐसा ही काम करने की कोशिश करता है जिसका बदला उसे अच्छा मिले, और हर वो काम तर्क कर देता है, मतलब छोड़ देता है जिसका बदला उसे बुरा मिले। यही इंसान असल में कामयाब इंसान होता है। कौन सा इंसान कामयाब होता है? जो हर काम से पहले उसके नतायज के बारे में सोचता है, उसके नतीजे के बारे में सोचता है, उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचता है कि इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या, अच्छाई मिलेगी या बुराई मिलेगी, मुझे सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी। जब उसको सोचकर वो उस काम को करता है या उससे रुक जाता है, तो वो कौन सा इंसान है? वो असल में कामयाब इंसान होता है। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जी हमदान खान, अनम्यूट योर माइक। जी मैम। जी बेटा, कोई क्वेश्चन करना है आपने? हमदान आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो फरिश्ते बैठे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं किरामन कातिबीन, कातिब लिखने वाले, अजीम लिखने वाले, करीम लिखने वाले। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, तो वो हाथ खड़ा करे, ठीक है? यहाँ रेज हैंड का ऑप्शन है, प्लीज़ आप वो यूज़ करें। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। हमारी जब नेक्स्ट टाइम क्लास होगी तो मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करूंगी इंशाल्लाह इसके बारे में, ठीक है ना? आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें। आखिरत पर ईमान रखना हमारा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, और इस पर ईमान रखे बग़ैर कोई शख्स दार इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह बनाई है। हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। नेक लोगों के दाहिने हाथ में नमाया माल दिया जाएगा, और बद लोगों के, बुरे लोगों के बाहे हाथ में नमाया माल दिया जाएगा, ठीक है? अब हमारी क्लास ओवर हो चुकी है बेटा, अल्लाह आपको